हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इंटीजर फॉर्मूले का उपयोग सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंटीजर फॉर्मूला। अब यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, यूनिट है और टोटल है। यहाँ टोटल का फॉर्मूला लगा करके हमने टोटल कर दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया है प्राइस को यूनिट से, तो टोटल आ गया है। अब यहाँ पर टैक्स भी लिखा हुआ है। ये कोई टैक्स जो है ऑथेंटिक टैक्स नहीं है, ऐसा टैक्स इंडिया में लगता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इंटीजर फॉर्मूला ये टैक्स मैंने प्रयोग किया है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हमें टैक्स निकालना है, तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ये टोटल प्राइस में ही टैक्स छिपा होगा, इनटू का साइन लगाएंगे और ये सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ टैक्स आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, इन सबका भी टैक्स आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्रीज नहीं किया, तो यहाँ से 2 को फ्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे ड्रैग करने पर जो रोज हैं वो चेंज हो जाएंगी, दैट्स वाई ये दिक्कत आ जाती है, तो इसको फ्रीज कर दिया। अब देखिए ये फ्रीज हो चुका है। अब ये डबल क्लिक करूंगा तो सबका आ जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि 40 पैसा, 20 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा, ये सब किसी काम में नहीं आएगा। 16 पैसा देंगे कहाँ, तो इसको राउंड कराना है। तो राउंड कैसे कराएंगे, तो राउंड कराने के लिए इसी फॉर्मूले में मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूला एडिट करके। ये देखिए ये फॉर्मूला जो है, इसी के पहले इंटीजर लगा देता हूं, यानी इंट लगा देता हूं। इंट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं प्रोग्रामिंग क्लासेस में। तो इंट का मतलब है कि इंटीजर डेटा टाइप। इंट जो है एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इंटीजर यानी कि या तो वो प्लस में वैल्यू होल्ड होगी या तो माइनस में होल्ड होगी, इसी को हम कहते हैं इंटीजर। तो अब इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और यहां से भी एक बार क्लोज कर देता हूं, एक तो ओपन किया फिर क्लोज किया। अब एंटर प्रेस करता हूं। अब ये देखिए ये जो है राउंड हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये सारे राउंड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आप इंटीजर फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है।